इंसान जब मरता है और कयामत तक आलम बरज़ख़ में रहता है, आलम मलाकूत है, दूसरा आलम है, जितने भी लोग मर चुके हैं अभी तक हज़रत आदम के ले के अभी तक, वो सब उसी आलम के अंदर है। कयामत दूर है हमारे लिए, लेकिन मरना तो उन सब ने है और उस आलम में भी हमने जाना है। और आइमा अलैहिस्सलाम की रिवायात भी हैं कि हम आलम बरज़ख में तुम्हारे ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये वाज़े है हदीस, हम आखरत में तुम्हारी शफ़ात करेंगे। लेकिन इंसान का अमल आलम बरज़ख में उसको बचाता है। अब अमल क्या है? एक खातून के, क्योंकि दुनिया में काफ़ी लोग हैं ऐसे मुसलमान गैर मुसलमान कि जिनको लाइफ आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ है, यानी मरने के बाद मौत में चले गए लेकिन वापस आ गए। वो जो लोग मरे टेम्प्रेरी, वो उस आलम में गए हैं तो उन्होंने उस आलम को चखा है, देखा है क्या है। बहुत सारे वाकयात हैं, बहरहाल जितनी तौफीक कोई माह मुहर्रम में आप तक पहुंचाने की। तो खातून कहती हैं कि बहरहाल मैं मर गई, कोमा में चले गई लेकिन मर गई, मैंने देखा मैं एक आलम में हूं और अजीब एक टनल सा है और एक अजीब आवाज़ मुझे आ रही है और मैं भाग रही हूं, मुझे मेरे पीछे भेड़िए भाग रहे हैं। आलम आसान नहीं है जाने, मतलब आलम बरज़ख़ बहुत ख़तरनाक है, बहुत सख्त है, फरार नहीं है वहाँ। यहाँ आप मरीज़ हो जाएं, कुछ हो जाएं, कुछ ना कुछ कर ही लेता है, वहाँ फरार नहीं है बिल्कुल। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, ख्वाब में कभी आप मुश्किल में फंसे हुए हों, आप ऊपर से गिर रहे हों, अगर आपकी आँख नहीं खुलेगी तो आप मर जाएंगे, या आपकी आँख खुलती है आप बाहर आ जाते हैं उस आलम से, वरना उस आलम में वो आलम वही है। हाजुन कहते हैं मेरे पीछे भेड़िए लगे हुए और मैंने देखा कि आगे रास्ता बंद हो गया है, दीवार है। जैसी मैं उस दीवार तक पहुंची मैंने कहा कि अब मेरा खात्मा है। एकदम मेरे वजूद से या हुसैन निकला। कैसे निकला? क्योंकि जिंदगी में आदत थी या हुसैन कहने की, जब जबान पे जारी होगा तो ही वहां आएगा, यहां आदत ही नहीं है या हुसैन कहने की, कैसे आएगा? या अली कहने की आदत ही नहीं है, बच्चों को सिखाया नहीं, बच्चे बर्गर हो गए, फैशनेबल हो गए, नया मॉडर्न ज़माना हो गया, गैजेट्स आ गए, नादे अली के बजाय राइम्स सिखाएंगे इनको, बच्चों को नेटफ्लिक्स के सीजन सब याद हैं, मार्वल के करेक्टर याद हैं, आयतल कुर्सी याद नहीं है बच्चों को, आप बताएं। अब आयतल कुर्सी पूछ लो कहीं जाके, दुआ इमाम ज़माना पूछ लो तो आप समझते बहुत मजहबी बात नहीं है, ये बका है, ये इस आलम की नहीं, ये उस आलम के लिए भी बका है। तो खातून कहती हैं क्योंकि मुझे इस दुनिया में आदत थी या हुसैन कहने की, जैसे ही मेरे वजूद से या हुसैन निकला मैंने देखा कि एक हाथ आया है और उसने मुझे उस आलम से खींच लिया। ख्वाजा ने ये हम इमाम को इंशाल्लाह के खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन चंद दिनों में इमाम को समझें। इमाम किसे कहते हैं? वो आलम ही ऐसा है, उस आलम में मुश्किलात भी अपनी है, वहाँ पे टाइम अलग है, टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, बदन भी नहीं है, वो कुछ और ही आलम है। और जब कोई इमाम की हकूमत में आ जाता है, इमाम की हकूमत हमारी हकूमतों की तरह नहीं है, बॉर्डर लगे हुए हों, लाइनें खिंची हुई हों, या फिर हमने खुद नाम बना लियो, ये जैसे यहाँ हमारी माशाल्लाह कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, रिजविया आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही हैं, वहाँ मर्जियाँ भी हमारी चलती हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिर लोग बुरा मान जाते हैं। तो क्या है कि ये हम खुद अपने आप को फिरके फिर उसके अंदर फिरके फिर उसके अंदर फिरके फिर उसके अंदर फिरके, कहीं ज़बान, कहीं कौमियत, कहीं लिसानियत, बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसे ही करते जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर हम एक कॉज के लिए काम करें, एक हदफ के लिए काम करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है, 100 लोग काम करें।
लेकिन अगर हम दूर होने के लिए, जुदा होने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हम नुकसान कर रहे हैं, असल में इस्लाम का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान कर रहे हैं।